रिश्वत, घूस, उत्कोच, ये शब्द अक्सर हम सब सुनते आ रहे हैं। रिश्वत खोर अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत खाते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन रिश्वत की रकम को निगलने का हैरान कर देने वाला मामला पहली बार सामने आया है। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां पर एक पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे वो काफी चर्चा में बना हुआ है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। दरअसल खबर मध्य प्रदेश की है, जहां पर एक रिश्वतखोर पटवारी घूस के पैसे चबा गया। बता दें कि लोकायुक्त की टीम को जानकारी मिली थी कि एक पटवारी रिश्वत लेने वाला है, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने मौके पर कार्यवाही करते हुए रिश्वतखोर गजेंद्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया। और जब ऐसा हुआ तो वो फौरन खुद को बचाने के लिए रिश्वत में मिले पैसे चबाकर निकल गया। बताया जा रहा है कि पटवारी गजेंद्र सिंह ने रिश्वत में मिले 500-500 के 9 नोटों को मुंह में डालकर चबा गया। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और गजेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एक्शन लिया जा रहा है।